अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप लोग के लिए भी मैंने सोचा यार, ये फिज़िक्स की जो 10th क्लास की है इसके MCQs तो अपलोड कर दूँ, SLOs बेस्ड वगैरह। काफ़ी बच्चे नीचे बोल रहे थे कि आपने MCQs नहीं बताया, तो मुझे अभी याद आई तो मैंने कहा चलो ये भी बता देते हैं। वैसे भी MCQs सुबह तक आपके पास टाइम है, आप लोग आराम से देख लोगे। अच्छा, इसके पास जो हमारे पास MCQs का गेस्ट है, इसमें मैं आप लोग को क्या काम करता हूँ जी, सोल्यूशन भी यहाँ पे साथ साथ बता देता हूँ। तो इसमें जो तकरीबन नई बुक है, पुरानी बुक है, अगर आप लोग नई बुक वाला कर लोगे तो आप लोग को पुरानी बुक के भी आ जाएंगे, या पुरानी बुक के भी कर लो तो आपको नई बुक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आपने नई बुक और पुरानी बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, और यहाँ से जहाँ से MCQs मिलते हैं वहाँ से कर लो। अच्छा, यहाँ पर हमने अगर कॉन्सेप्चुअल MCQs नंबर 1 की बात करें तो इनके मैं आंसर भी आप लोग को अभी बताते हैं। अ मैस स्प्रिंग सिस्टम एज मैस एम अटैच टू द स्प्रिंग, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड इफ़ इट्स मैस इज इंक्रीज्ड 4 टाइम। तो अगर 4 टाइम होगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट विल बिकम डबल। और उसके बाद अगर हम दूसरे के बात करें तो स्प्रिंग स्ट्रेच्ड 5 सेंटीमीटर बाय 20 न्यूटन फोर्स, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपके पास के है वो क्या होगा? तो इसमें हमारे पास 100 न्यूटन, 440, और ये हमारे पास 20, और ये इसके पास हमारे पास आ जाएगा 400। करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड नंबर में कहता है कि इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल, व्हाट हैपन टू इट्स टाइम पीरियड? तो कोई टाइम पीरियड पे नहीं फ़र्क पड़ेगा, दैट विल रिमेन सेम। फोर नंबर में कहता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्मॉलेस्ट एट, तो ये किस पे होगा जी? स्मॉलेस्ट एट मरी पे, मून पे, पोल्स पे या इक्वेटर पे? दैट विल बी 4 MCQs हमारे पास इसका पोल्स है। इसके बाद 5 नंबर MCQs हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास वो बोलता है कि इफ़ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज, तो इसमें हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है दैट इज़ 0.5 क्या होगा, हर्ट्स होगा। उसके बाद 6 नंबर MCQs में बोलता है कि 360 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर इन 1 आवर टाइम पीरियड ऑफ वेव इज, तो इसमें आप लोगों का जो टाइम पीरियड है दैट विल बी 10 सेकेंड। और 7 नंबर MCQs में अगर हम देखें तो वो कहता है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक है 0.5, तो ये रिपल टैंक का न्यूमेरिकल है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7 8 इज इधर 10 उधर 5, तो अगर आप इसको थॉरली देखें तो 2 बनना चाहिए, फिर भी इसको आप लोगों ने सॉल्व करके देख लेना है। अच्छा, भेजा तो फॉलोइंग इज हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट विल बी ये एक्स रेज, लाइट, स्ट्रिंग वेव्स और साउंड, तो लॉन्गिट्यूडनल में साउंड आ जाता है हमारे पास। इसके बाद कहते हैं व्हेन वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप टू शेलो वाटर, तो वाटर वेव्स कब एंटर करती हैं डीप से शेलो वाटर? दैट विल बी स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस, सी ऑप्शन है जी आपके पास। इसके बाद 10th नंबर MCQs कहाँ गया हमारा? इसमें वो बोलता है कि ये नीचे इन्होंने दिए हुए भी हैं, आपको यहाँ से भी देख सकते हो। तो 10th नंबर MCQs में कहता है कि लिसनिंग टू द रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैली माउंटेन एरिया इज़ ड्यू टू डायफ्रेक्शन ऑफ वेव्स। इसके बाद मैं स्पीड ऑफ स्पीड आगे जाता हूँ, और हमारे पास जो हमारी बुक है इसका चैप्टर नंबर 2 है, इसके MCQs पे आ जाते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास साउंड वाला चैप्टर है। इसके हमारे पास जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो कहते हैं व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर साउंड, इट इज़ साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी अलॉन्ग द मैटर, ये ट्रू नहीं है, बाकी ये सारे का सारा ट्रू है। इसके बाद 2nd MCQs में कहते हैं साउंड ट्रेवल फास्टर इन दैट, हमारे पास स्टील में क्या होता है, साउंड फास्ट ट्रेवल करता है, आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, स्टील के पाइप में अगर आप बोलें तो ज़्यादा आपको जल्दी आवाज़ आएगी। इसके बाद स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3, और उसके बाद स्पीड इन वैक्यूम है, तो हमारे पास जो इसका है 0 है, वैक्यूम में कोई भी स्पीड क्या होती है साउंड की, नहीं होती। 4 में कहता है कि थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग एज डैश इंटेंसिटी लेवल, तो थ्रेशहोल्ड क्या है जी, 0 dB है। इसके बाद कहता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज़ डबल इफ़ द स्पीड विल बी, तो 5 नंबर MCQs है, इसका ऑप्शन हमारे पास बी है, डबल हो जाएगा। इसके बाद 6 है हमारे पास, 6 नंबर MCQs में कहता है कि जी साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी, तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास लेस देन 20 हर्ट्स, बी है।
इसके बाद 7 MCQs में बोलता है कि आप लोग के पास मिनिमम डिस्टेंस जो होना है दैट विल बी 17 मीटर, आपकी बुक में लिखा हुआ है आप देख सकते हो। इसके बाद 8 नंबर MCQs में कहता है भेजा द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लाउडनेस ऑफ साउंड, एंड 8 नंबर में हमारे पास दैट इज़ एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेट करता है। 9 नंबर MCQs में कहता है जी इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड टू पेन, तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन है 1 WM-2, और अगर हम आएँ तो वो साइलेंट विसल कहता है कि यूज़ होती है, तो दैट विल बी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्स। मज़ीद अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आता है इसी बुक का, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। इसके MCQs में आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ, और इनको भी ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ गया है, तो इसमें हम ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट में हमारे पास ये फोकल लेंथ पूछता है, तो इसकी फोकल लेंथ बन जाएगी तकरीबन -10 के अराउंड, और उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन में कहता है कि इंसिडेंट रे एंगल 30 डिग्री बनाती है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रे लाइट, तो ये 30 बनाती है तो ये 60 करेगी। इसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज, फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस इज दैट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो, तो दैट इज़ नेगेटिव। इसके बाद 4 नंबर MCQs में कहता है कि वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय, तो जो सिंपल इरेक्ट और ये सारा कुछ होता है दैट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर। और इसके बाद कहता है डेंसर मीडियम ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है दैट इज़ 41.8। इसके बाद जो 6th ऑप्शन है कनकेव लेंस आपकी जो फॉर्म होती हैं दैट इज़ बिटवीन एफ एंड सी, ऑप्शन नंबर डी है इसका। इसके बाद कनकेव लेंस एज फोकल लेंथ ऑफ 5 मीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर -20D है। मैग्नीफाइंग ग्लास इज फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछ रहा है, तो इसमें इसकी पावर 6 हो जाएगी। नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन लाइज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिम ही इज सफरिंग फ्रॉम, हमारे पास ये किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, फार साइटेडनेस किस से, तो ये हमारे पास इसी से ही कर रहा है। इसके बाद एकोमोडेशन ऑफ आई इज डन बाय, तो दैट इज़ कैलरी मसल। आगे हम आते हैं जी, हमारा जो अगला चैप्टर है इसकी अगर हम बात करें तो ये इट इज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आई थिंक सो, और इसके भी MCQs को हम क्या करते हैं जी डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके ख़त्म हो गए, इनका मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ फुल बुक है, इसमें सोल्यूशन शेयर किया हुआ है, सेम बुक है। अच्छा, ये चैप्टर आ गया आप लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन कितने 1 कूलम चार्ज में दैट इज 6.25 × 10⁻¹¹। इसके बाद कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी इनके दरमियान में दैट इज़ अराउंड 9,000। इसके बाद हमारे पास 3rd ऑप्शन में कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज डबल देन द फोर्स विल बिकम, तो फोर्स हमारी 1/4 हो जाती है। इसके बाद इफ़ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 कूलम चार्ज दैन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज दैट इज़ इसमें हमारे पास 5 न्यूटन कूलम आ जाता है। और उसके बाद कहता है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ हाफ में अगर हों तो यहाँ पे इट विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ रिमेन सेम। 6th नंबर में कहता है फेरेड इज़ अ यूनिट ऑफ दैट इज़ ऑफ कैपेसिटेंस इफ़ 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द कैपेसिटेंस ऑफ देयर कम्बिनेशन, तो अगर वो सीरीज़ में होते हैं तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर क्या आता है जी बी आता है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद 8th ऑप्शन में कहता है कि विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। 9 है इफ़ अ कैपेसिटर स्टोर चार्ज ऑफ 10 कूलम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट इज़ अप्लाइड व्हाट विल बी चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो ये सारी जितनी भी कहानी है आप इसको जब सॉल्व करोगे दैट विल बी ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी दैट विल बी 40 अराउंड कूलम। अच्छा, इसके बाद लास्ट में कहता है जो द फॉलोइंग इज टच गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में है दैट इज़ पेपर रॉड हमारे पास इसमें काम आता है। तो आगे हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, तो अगला चैप्टर है जी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इधर कहीं आएगा नीचे, करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ देयर, तो अच्छा यहाँ पे हमारे पास पहले का ऑप्शन में अभी आप लोग ऑप्शन वाइज ही बता रहा हूँ, पहले का ऑप्शन सी है, दूसरे का ऑप्शन डी है ताकि वीडियो जल्दी अपलोड हो, दूसरे का ऑप्शन डी है डेल्टा। इसके बाद तीसरा है हमारे पास इसका सी है, 4 टाइम्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे पास 4 नंबर MCQs है इसमें हमारे पास ये ऑप्शन नंबर कर लो जी सी कर लो। इसके बाद 5 नंबर MCQs है इसमें ऑप्शन नंबर डी है, और 6 नंबर MCQs जो है इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है जी बी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
अच्छा ये 4 किलोग्राम है, 7 नंबर MCQs है इसमें, कर लो ऑप्शन नंबर बी 1.3 किलो ओम, 8 नंबर में इफ अ करंट थ्रो फिक्स रेजिस्टेंस इज पास्ट तो इस 4 टाइम हो जाएगा। इसके बाद 9 में कहता है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसमें लाइव वायर आ जाएगी। इसके बाद विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा जी, में इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा आगे हम अगर चलते हैं तो अगला जो चैप्टर हमारा आता है जी, वो चैप्टर आता है दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अभी 9:20 हुए हैं तकरीबन, वीडियो कोशिश करूँगा 10 तक आपके पास आ जाए या इससे पहले ही आ जाए। अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें हमारे पास पहले को हो जाएगा आउट ऑफ द पेज आ जाएगा, इसके बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, उसके बाद इसमें साउथ आ जाएगा, और उसके बाद इसमें हमारे पास नॉर्थ टू साउथ आ जाएगा। फिफ्थ में हमारे पास जी आ जाएगा दैट इज़ कम्यूटेटर्स। इसके बाद कॉइल अगर मूव करती है जी पैरेलल, 6 में है जी 0 हो जाएगा। सेवन्थ है जी हमारे पास दैट विल बी ऑफ जनरेटर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो दैट विल बी वोल्टेज। अच्छा आउटपुट है ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है 9 वाला, तो इसमें अराउंड आप लोगों के पास 2500 ही हाईलाइटेड ऑलरेडी, इन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ भी है। इसके बाद वो हमारे पास पूछता है 10 नंबर में, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए इंक्रीजेज आ जाता है, और लास्ट में अगर आप नीचे भी आपको नज़र आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर क्या है जी हमारे पास बी 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट हमारे पास आ गया है। तो आगे हम चलते हैं जी अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स है दैट विल बी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगला चैप्टर है ये, तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा ये चैप्टर है आपका, तो चलो जी इसको भी एमसीक्यू उसको देख लेते हैं। अच्छा कैथोड रेज, और हमारे पास क्या है जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाद इसमें हमारे पास स्लो डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास इसमें आप लोगों के पास नॉन ऑफ अबव, और इसमें हमारे पास एंड गेट यूज़ हो जाएगा, और फिफ्थ नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा अगेन एंड गेट, एंड है फर्स्ट ऑप्शन है, और सिक्स नंबर हमारे पास आ जाता है तो इसमें कड़ा गेट यूज़ होगा दैट इज़ और गेट। सेवन नंबर में हमारे पास नैंड गेट यूज़ होगा, एट नंबर में हमारे पास नॉर गेट यूज़ होगा। लॉजिक इक्वेशंस आगे आ जाती हैं, तो इसमें हमारे पास पहली वाली दैट इज़ दिस, और उसके बाद इसमें हमारे पास ये लास्ट वाली करेक्ट है। तो आगे चलते हैं हम जी अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर आप लोग का आ जाता है कौन सा आता है अभी, ये वही ICT वाला चैप्टर आ जाता है कंप्यूटर वाला, तो इसमें हमारे पास 5 आ जाती हैं, और उसके बाद इसमें प्रोसीजर आ जाता है। अच्छा जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाता है। इसके बाद 4 नंबर MCQs में क्या आ जाता है जी, रेडियो सिग्नल्स आ जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल क्या है जी, प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल कैशे मेमोरी आप कर लो। इसके बाद आप लोगों के बाकी सेकेंडरी हैं वो प्राइमरी नहीं होती। 6 में हमारे पास आ जाता है जी ऑप्शन नंबर दैट इज़ ऑफ MS वर्ड। 7 नंबर में आ जाता है हमारे पास डी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद हमारे पास जो 8 नंबर ऑप्शन आता है इसमें हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं। 9 नंबर ऑप्शन में CPU एंड द 10 नंबर इज़ MS-XS। अच्छा ये हमने कर लिया, और इसके बाद हम आगे अगर आते हैं तो रेडियो एक्टिविटी वाला आपके पास एक चैप्टर आएगा दैट विल बी समवेयर देयर। ये रेडियो एक्टिविटी आई थिंक सो लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट है। इसके भी MCQs देख लेते हैं। द फर्स्ट इज़ 239। इसके बाद बीटा रेज जब एमिटेड होती हैं तो दैट डजेंट चेंज एनीथिंग, अल्फा पार्टिकल आर रेंज इन एयर दैट इज़ हर सॉरी 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 ये किधर आ गया, दैट इज़ ऑफ गैमा रेज। और उसके बाद हमारे पास अच्छा ये चौथा ये था ना, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कैंसर होता है कोबाल्ट-60 से, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय पार्टिकल तो दैट इज़ अल्फा पार्टिकल। अच्छा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं 6 नंबर में तो इसमें दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हाफ लाइफ में 7 नंबर में दैट इज़ ऑफ 75%, 8 नंबर में ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल, और 9 नंबर में हमारे पास दैट इज़ दिस वन।
बस आई थिंक सो ओवर हो गया है ये। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करो, तैयारी करो, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।